अब्बा हुजूर आने दो। बुबू बुबू, अरे ये कौन है? सलीम लड़की अब्बा हुजूर। अरे वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी? मुझे पता है। हाँ किसकी? ये अपने माँ बाप की लड़की है बुबू। वो अरे उठाकर कहाँ से लाए हो इसे? ये नदी की बीच धारा में डूब रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी। दरबान, लड़की को अंदर लेकर जाओ। जी जहांपनाह। अरे तुम नहीं, किसी दासी को कहो कि इसे अंदर लेकर जाएं। और तुम शाही हकीम को बुलाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ रानी साहिबा? लड़की? अरे नहीं नहीं उर्वशी, ये जो डंडियां लगाई ना इसने अपने सर में, हमें भी ऐसी डंडियां लगानी है। इसे देखिए, लड़की को क्या हो गया? देखिए, अभी देखता हूँ। लड़की के जिस्म में जरूरत से ज्यादा पानी चला गया है। छोड़िए, नाक नहीं, बातें करना छोड़िए और इस लड़की के जिस्म में से पानी निकालिए। हाँ। अभी निकाल देता हूँ। हाँ जी। हे भगवान, उर्वशी, इसे तो हिंदी बोलना नहीं आता, ये तो कोई और जबान बोल रही है। हमको थोड़ा हिंदी आता। अरे वाह, तुमको हिंदी आता तो तुम हमको बताता ये डंडिया कहाँ से बनाता। आता। रानी साहिबा, ये डंडियों की बातें छोड़िए और ये पूछिए ये कौन है और कहाँ से आई है। हाँ। हमारा नाम चीमी जी है। चीमी जी? हम चीन का राजकुमारी है। नाव में सैर करने निकला, नाव डूबा। हमको एक बहादुर लड़के ने बचाया, उसके बाद हमें कुछ नहीं याद आया। वो बहादुर लड़का जिसने तुम्हें बचाया वो हमारा बेटा है। आप यहाँ का दासी है? है? हम यहाँ का रानी साहिबा है और हमारा बेटा शहजादा सलीम। यहाँ उसे मिलकर उन्हें दे सकता? नहीं नहीं, ये ली 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 क्या देना चाहती हो हमारे बेटे को? मतलब हम उन्हें आभार देना चाहता। राम से उससे बात करेंगे, मीठी मीठी प्यार की बातें होंगी और धूप लगाते। आपने हमारा जान बचाया, हम आपको शुक्रिया बोलने आया। आप फिर डूबेंगे, हम फिर आपको बचाएंगे, पर इस बार ठंडे पानी से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहन कर आएंगे। पहली बार हम किसी लड़की को भाए हैं, वरना ऐसे मामलों में हम हमेशा ठोकर ही खाए हैं। आप जैसा जीवन साथी मिल जाए तो जीवन कितना अच्छा। हम पत्नी धन का निर्वाह करेगा, क्या आप हमसे विवाह करेगा? विवाह मतलब शादी। शादी? हम तुम्हें पाने के लिए सात समुंदर पार जाएंगे, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम तुमसे ही ब्याह रचाएंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान की गर्मी कैसे सहन करेगा? क्या तुम हमारे साथ घर जमाई बनकर चीन चलेगा? अपनी मोहब्बत पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, घर जमाई तो क्या, हम गुलाम बनकर भी तुम्हारे साथ चीन में रहेंगे। अब हुजूर, हमें आपको एक खुशखबरी सुनानी है। पहले पहले जरा हकीम जी को बुला लो, हकीम जी को बुला लो जल्दी। हकीम जी को क्यों? अरे जब जब तुमने हमें खुशखबरी सुनाई है, हमें दिल का दौरा पड़ा है, जरा जल्दी बुला लो जल्दी। लेकिन इस बार आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा अब्बा हुजूर। आप जानते हैं चीन की राजकुमारी हमसे शादी करना चाहती है। क्या? हमें तो लगा था तुम्हारी शादी किसी गधी से करानी पड़ेगी, लेकिन राजकुमारी तुम्हारी किस्मत में आएगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप और अम्मी जान हमें ससुराल में बहुत याद आएंगे। ससुराल लड़कियां जाती हैं, लड़के नहीं। वो हम जानते हैं, लेकिन चीमी जी पहाड़ों में रहती है, हिंदुस्तान की गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हमने सोचा है हम शादी के बाद चीमी जी के साथ चीन में रहेंगे
घर जमाई बनकर।